हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है हम एक इमरजेंसी लाइट को असेंबल करेंगे। ये हमारा इमरजेंसी लाइट डीपी एलईडी लाइट। इसी को हम आपको असेंबल करके दिखाएंगे। यह एक हमारा इमरजेंसी लाइट का कुछ कंपोनेंट है और हम आपको इसको असेंबल करके बताएंगे। तो सबसे पहले आता है एलईडी, इसको हम एलईडी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें टोटल 20 एलईडी लगा है और यह डिप साइट में है। इस एलईडी बल्ब को असेंबल करेंगे। उसके बाद आता है सर्किट। यह हमारा सर्किट है, पीसीबी है। इसमें जो दो वायर अंदर में गया है वो एलईडी के लिए गया है, जो कि ब्लैक वायर और रेड वायर है। ब्लैक वायर L- और L+। और बैटरी के लिए B+, B-। जो रेड वायर है वो B+ के लिए है, जो ब्लैक वायर है साइड में वो बैटरी के माइनस पॉइंट में कनेक्ट होगा। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और रेड एलईडी जो इंडिकेशन के लिए है, पीएफ कैपेसिटर। और यहाँ से हम एसी सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट, जो कि बैटरी को चार्जिंग करता है। साइड में एक हमारा स्विच देता है, स्लाइड स्विच। यह हमारा स्लाइड स्विच है, इसका 3 पॉइंट होता है। बीच वाला कॉमन रहता है, मतलब ग्राउंड का, और ऊपर स्लाइड करते हैं तो लाइट जलता है, नीचे में भी लाइट जलता है, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे में पूरा ट्रैक है सर्किट के। इसके बाद यह एक लीड एसिड बैटरी है, जो कि 4 वोल्ट 1.5 AH का है, 4 वोल्ट 1.5 AH का, जो कि ये इमरजेंसी लाइट में लगता है। और यह लीड एसिड बैटरी है, इसको हम आपको असेंबल करके दिखाएंगे। अब यह उसका हाउसिंग है इमरजेंसी लाइट का, इसी में आपको असेंबल करके दिखाएंगे। यह डीपी लाइट है। अब स्टार्ट करते हैं असेंबल करना। इस सर्किट से एलईडी लाइट का कनेक्शन पहले से है। उसमें एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। जो रेड वायर है वो प्लस का पॉइंट है, जो ब्लैक वायर है वो माइनस का पॉइंट है। अब हम आपको इसको कनेक्ट कर इसको यहाँ पर बैठा के देखेंगे और स्क्रू लगा के आपको बताता हूँ। साथ ही साथ इसके स्विच को भी लगाकर बताऊंगा। इस हाउसिंग में हमारा सर्किट अच्छे तरह से बैठ चुका है। अब लगाने हैं स्क्रू। हम स्क्रू ड्राइवर से इसके स्क्रू को लगा लेते हैं। मैंने इसके स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के मदद से अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसके बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। जो रेड वायर है उसको प्लस में कनेक्ट करूंगा और जो ब्लैक वायर है उसको माइनस में कनेक्ट करूंगा। मैं इस वायर को अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया है।
बैटरी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट में। आप इसको चेक करके देखते हैं एक बार, ये हमारा अच्छे से जल रहा है, आप देख सकते हैं नीचे आपका रोशनी आ रही होगी। अब एक बार नीचे करके देखते हैं, आप एक बार नीचे करके देखते हैं, ये जल रहा है, आप देख सकते हैं ये अच्छा ग्लो कर रहा है। ये हमारा इमरजेंसी लाइट बन के तैयार हो चुका है। आप बारी इसके कवर की लगाने की, इस कवर को ऊपर से पैक कर लेता हूँ। ये हमारा इस तरह पैक हो जाएगा और स्क्रू लगाने के बाद एक बार फाइनल टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इन चारों स्क्रू को मैं स्क्रू ड्राइवर के सहायता से लगा लेता हूँ। अब ये हमारा अच्छे से पैक हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब स्विच ऑन करके देखते हैं, ये हमारा अच्छे तरह से जल रहा है और ऊपर से ये भी अच्छे तरह से जल रहा है। ये हमारा इमरजेंसी लाइट असेंबल हो चुका है और रेडी हो चुका है बन के। आप यहाँ से हम एसी सप्लाई देते हैं जो बैटरी को चार्ज करता है, और एक रेड एलईडी दिया है जो बैटरी को चार्ज करता है वो इंडिकेटर के लिए, और साइड में स्विच दिया है स्लाइड स्विच। वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही पता चले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा यूट्यूब पर।